हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ विजय शर्मा, माय यूट्यूब चैनल इज गुरुकुल परिसर फॉर योर बेटर फ्यूचर। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 12 से टॉपिक है हमारा आज का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो तब हमारी एसेट्स को लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है, क्योंकि पहले जो बुक में एसेट्स और लायबिलिटी होती है उनकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। जब एडमिशन होता है तो हम अपनी एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, किसी की एसेट या इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हुई, तो हम इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको याद रखना है क्या, देखना, बाय एसेट्स इंडिविजुअल किसी एसेट का नाम लिख सकते हैं अगर वो एसेट इंक्रीज हुई है। तो बोला कि लैंड पहले 10,000 की थी, अब 12,000 की हो गई, तो 2,000 से इंक्रीज हो गई, तो बाय एसेट्स इधर डालना है अगर इंक्रीज हुई तो। लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो इस तरफ भी आएगा बाय लायबिलिटी के नाम से, वो भी इंडिविजुअली, जैसे कि क्रेडिटर पहले 5,000 थे अब 7,000 हो गए तो इंक्रीज हुए, अगर 5 से 3 हो गए 2,000 से डिक्रीज हुआ, तो इस तरफ एसेट इंक्रीज इस तरफ, डिक्रीज इस तरफ, और सेम इसका रेसिप्रोकल इस तरफ लेंगे, टू एसेट और टू लायबिलिटी लिखा जाता है इंडिविजुअली। अगर डिक्रीज हुई एसेट तो इस तरफ, इंक्रीज हुई लायबिलिटी तो इस तरह। अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दो पॉइंट आते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट है कि एक ट्राइप राइटर हमारे सामने आ गया, वो पहले से बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो उस एसेट को रिकॉर्ड करना है, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि एसेट रिकॉर्ड नहीं थी, रिकॉर्ड हुई तो इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई तो इस साइड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू साइड। क्यों? अगर कोई लायबिलिटी, एक बिल था 2,000 रुपए का, बिल पेबल पे करना था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसे रिकॉर्ड करना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इस तरफ। अगर रिवैल्यूएशन का कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंसेस आप पेड कर रहे हो तो टू कैश या बैंक से इस तरफ भी पेड करोगे। आप दोनों तरफ का टोटल कर लोगे, जिस तरफ का बड़ा होगा वो सेम लिख लोगे लार्ज अमाउंट वाला, और अगर बैलेंस इस तरफ बचा तो आप लिखोगे बाय लॉस, अगर इस तरफ बचा तो लिखोगे टू प्रॉफिट। ध्यान रखना, ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड रेशो में ही बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। प्रॉब्लम किस में आती है, इनकी जर्नल एंट्री बनाने में, कि एसेट इंक्रीज हो रही थी जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे, डिक्रीज हो रही थी जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। जिसको अकाउंट याद होगा वो जर्नल एंट्री आसानी से बना लेगा। आपको क्या करना है, आपको पहले से एंट्री बनानी है, तो क्या करना है, बाय एसेट्स बाय लायबिलिटी लिखा हुआ है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा हुआ है, तो क्या करना, इन चीजों के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, टू साइड से ले जाएगा। तो क्या लिखोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट इंक्रीज हुई तो एंट्री ये बना दी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्लियर है। अगली लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्या एंट्री बनेगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है। इसके लिए फिर दोबारा टू में चले जाएगा, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको सिंपल सी यही करना है। इनके लिए टू में चले गया, अब नेक्स्ट आता है टू साइड वाले के लिए। अब ऐसे डिक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या करोगे, ये डेबिट हो जाएगा, ये टू साइड रहेंगे, तो यानी क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए भी क्या करोगे, सेम यही, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्लियर है। और अगर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ तो क्या करना है,
प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटना है, यानी कि पार्टनर्स में बटना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करोगे, प्रॉफिट टू साइड है तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बताया था इसके लिए ये डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट तो नहीं लिखोगे, लिखोगे पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिन पार्टनर में आप उसको बांटो।